निकली, चल चल आजा। बेटी दो दिन से कहाँ हो, तुम्हारी माँ रो रो कर परेशान हो गई। नहीं होगी, पागल बाप को पागल बोल रही, बाप को पागल बोल रही। आईसीयू में है, बच्चों को चलो गाड़ी में। ऐसे छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, छोड़ के थोड़ा जाते हैं। चलो भैया गाड़ी चलो, बेटा जहाँ कहोगी माँ तुम्हारी शादी। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, शाबाश, यहाँ बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। स्टॉप दिस। ओए आराम से आराम से, तबेली की भैंस नहीं है, खूबसूरत है, नाजुक है। तू चुप रह, तू ही पूछ रहा था ना कहाँ तक ले जाएंगी आप। ये देख कहाँ तक ले आई, ये बदलेगा। जब से इससे मिले हैं चारों तरफ लाशें ऐसे गिर रही हैं जैसे खंडर में कबूतरों की बीट। अरे तो फिर क्यों चुराई गाड़ी, हाँ पुलिस को दौड़ाया इधर, गंजे की लाश को छोड़ दिया उधर, और फिर चाबी लेकर भिखारियों की तरह गाना भी गवाया। ओए मैं तो हीरे ढूंढ रहा था, लेकिन तू तो लड़कियों के पीछे फिसल फिसल कर अस्पताल पहुंच रहा था। एहसान मान मेरा, एहसान मान मेरा कि मैं अस्पताल पहुंचा, 8 नंबर के लॉकर का पता चला, हीरे विक्टोरिया 203 में ये पता चला, सब कुछ तो मैं कर रहा था। और तू क्या कर रहा था, लंबा कोट पहनकर हीरो बना घूम रहा था। ओए टक्कन, हम एक दूसरे की कुंडलियां क्यों खोल रहे हैं, जबकि पूछना तो हमें शैतान की नानी से है। ओ या? अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो करण टोरा रंजीत की तरह मुझे भी मार दिया जाएगा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। ओए तुमको क्या लगता है हम कोई बिलासपुर से आए हैं, है? अगर हम अपनी आई पर आ गए ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ भी बताने के बाद मुझे ये देश छोड़ना होगा। तुम लोग मुझे 5 करोड़ रुपए दिला दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता के यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। 5 करोड़ अभी लाता हूँ छाप के। 500 के चलेंगे कि 1000 के चाहिए? मिल जाएंगे 5 करोड़। ये पागल हो गया क्या? राणा साहब आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? नहीं है, है? तो फिर आइए मेरे साथ, हिलना डुलना नहीं, मैं 5 करोड़ लेकर आता हूँ। राणा साहब सारा के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना, आइए आइए। ओह नाइस, दीज आर बेल्जियम टाइल्स। राणा साहब डू यू सी व्हाट आई सी, द मैन विद द डायमंड। हीरे ऐसे हिला रहा जैसे बचपन में हम गोटियां हिलाया करते थे। तो क्या तू इससे मांगेगा 5 करोड़ रुपए? क्या हर्ज, किसी डायमंड मर्चेंट की बिगड़ी हुई औलाद लगता है, और फिर बाप इसका हो या हमारा, बस करोड़पति होना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है? रईस की औलाद, अपने बाप को बोल जल्दी से 5 करोड़ ढीला कर वरना गोली चला दूंगा। तो आप लोग मेरे बाप से 5 करोड़ रैंसम मांग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो दहेज में हिस्सा मांग रहे हैं। ओए टकन, इसको ठीक से समझा, सीधी बात इसके समझ में नहीं आती। ओए समझता या चक। 265 77 बोल। 265 77 77 100 और 022 लगाया। जावेरी बाजार पुलिस स्टेशन। डायमंड मर्चेंट का बेटा है, जावेरी बाजार से जिग्नेश बात कर। हाँ बापू, जोसेफ बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ 5 करोड़ रुपए लेके मड फोर्ट पे पहुंच जाओ। नहीं कुछ नहीं, मुझे किडनैप कर लिया। क्या? जल्दी आ जाना वरना ये लोग, वरना इसके 1001 करोड़ टुकड़े करके मछलियों को खिला देंगे। चील कौओं पर हमारा विश्वास नहीं है। और याद रखना, अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। तुम्हारा फोन नंबर मेरे पास है। अरे क्या है जी, कि हम तो आदमी सूंघ कर बता देते हैं कि ये असामी 5 करोड़ की है, 7 करोड़ की है, 10 की है, कि 150 रुपए की है। मत कर, तेरी औकात सिर्फ 5 करोड़ की है जी। हमने सोचा कि हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने वाले हैं किडनैपिंग की, वो क्या कहते हैं कॉर्पोरेट। जिग्नेश आवाज आ रही है, शेयर खरीदने हमारी कंपनी में? लगता 3-4 सूटकेस लेके भाग के आ रहा है। जी राणा साहब, लगता बाप आ गया है, इसकी वर्दी में क्यों आया है? और पुलिस ही है, ससुराल वाले।
अरे जिग्नेश भाई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ओए टकन, हमको गलत फहमी हुई है। हमको? हाँ, पैर पकड़। मेरे नहीं टकन, उनके। इनके? चलिए किडनैपिंग कंपनी तो खुलने से पहले ही बंद हो गई, लेकिन एक बटन मिला है। बटन दिखाइए। ये तो इसका है। अरे मेरा है, वो मिल गया, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। इतने सालों बाद पुलिस में कितना बदलाव आया है। बटन जैसी चीज ढूंढ लेते हैं, वो भी बिना रिपोर्ट दर्ज कराए। रिपोर्ट लगाए। ये बटन एक लाश के पास मिला है। लाश के पास? करण की लाश। करण? जिसे शायद आप लोग गलती से दफनाना भूल गए थे। मैंने इसको बोला था सर। कब बोला था? कमाल की बात है ना, करण की लाश के पास बटन, वो भी इनका, और फिर रंजीत के घर में उंगलियों के निशान आप लोगों के। लगता है किडनैपिंग की बजाय मर्डर की पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने का इरादा है आप लोगों का। सर चोरी की कसम सर, हमने आज तक कत्ल के बारे में सोचा तक नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर। बापू की कसम खाएंगे? हाँ बापू की कसम खाएंगे। खाएंगे? बापू? बापू जिंदा है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ था। ये बापू है, इसका डंडा चलने से ज्यादा चलाने के काम आता है। एक पड़ेगा तो दर्द कहाँ खत्म होता है और जिस्म कहाँ शुरू होता है सब भूल जाओगे। वो क्या है जी के कहानी बहुत लंबी है, और बापू के रहते हमारी जबान लड़खड़ाएगी। बापू जी की जय। I have all the time in the world. ये देखिए, आइए, ये देखिए, कहाँ तो बैठी है? नहीं बैठी। यहीं तो थी, कहाँ गायब हो गई? मुझे क्या देख रहा, बांध तो तू ही रहा था। तूने कहा था टीला बांध, नाला बोला था। शट अप। बाकी का ड्रामा जेल में। जेल में? देखिए अगर आपको जेल भेजनी है तो ठीक है, लेकिन हमें थाना जेल मत भेजिएगा। वहां का जेलर बहुत जल्लाद है। तो वो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ अच्छा, वो अच्छा, वो उसी जेलर की वजह से तुम्हारी सजा सस्पेंड हुई थी ना जी? उसकी गलती है, वही भुगतेगा। नहीं बेटा देखो, हम बापू पढ़ते हैं। इन लोगों को नहला के थाने जेल भिजवा दो। नहला के क्यों? धुलाई वहीं हो जाएगी।